अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर में मासूम बच्चा सत्यम चोरी मामले में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद निराशाजनक है। घटना के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने दरवाजे पर पहुंचकर हाजिरी लगाई, परिवार को आश्वासन दिया, लेकिन दोबारा पलट कर नहीं देखा कि मासूम बच्चा चोरी होने के बाद परिवार किस हाल में जी रहा है। बच्चा चोरी की घटना को लगभग सवा महीने बीत चुके हैं। जनप्रतिनिधियों ने यह भी जानने की कोशिश नहीं किया कि बच्चा मिला अथवा नहीं, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट को देखकर चुप्पी साधे हुए हैं। इस प्रकरण में पुलिस ने अब तक क्या किया, जनप्रतिनिधियों ने अब तक यह भी जानने की कोशिश नहीं किया। परिवार को इस बात का मलाल है कि सवा महीने में कोई भी जनप्रतिनिधि दोबारा पलट कर परिवार की ओर नहीं देखा कि परिवार पर क्या गुजर रही है। चुनाव आते ही क्षेत्र के भाग्य विधाताओं की लंबी कतार खड़ी हो जाती है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, क्षेत्र के लोगों की तकदीर व क्षेत्र की तस्वीर बदल देने का दावा करने वाले तमाम वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, मोबाइल नंबर बदल दिए जाते हैं। बता दें कि लौह पंडित के पूरा गांव निवासी राहुल पांडे का इकलौता पुत्र सत्यम उस समय चोरी हो गया जब वह अपनी परदादी प्रेमा देवी की गोद में सो रहा था। एक अज्ञात चोर पहुंचा और उसे उठाकर ले गया। घटना के बाद पुलिस सक्रिय हुई और उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन अभी तक बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला। घटना को लगभग सवा महीने बीत चुके हैं। परिवार के लोग बेहद निराश व परेशान हैं। माताएं बिलख रही हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं, लेकिन अभी तक बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।